बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर 1 है क्लास 9th का, मैटर इन सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 जो है। इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक है वो करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो है वो है, गिवन द मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट, द मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस। सम ऑफ एग्जाम्पल इज गिवन, हेयर आर गिवन एग्जाम्पल आर बुक, डॉग, पेंसिल एंड अ बॉय। बुक हैव सम मास एंड मास हो सकता है इसका, ठीक है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। कहीं पर भी बुक रखेंगे तो उसका मास होगा कुछ ना कुछ, और वो स्पेस भी लेगी मतलब स्थान घेरेगी, और क्या होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है इसमें अगला जो टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर तो भौतिक मतलब कि भौतिक प्रकृति क्या होती है मैटर की, जो होती है भौतिक प्रकृति क्या होती है। जैसे फिजिकल, जैसे हम कहते हैं अपना फिजिकल, हमें हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास चेक करवाने, तो हमें वो क्या करता है, वो देखता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सारी क्या है, ये हमारी फिजिकल नेचर वो चेक करता है, ठीक है। तो अब फिजिकल तो इसमें क्या है, किसी अगर हम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे या मैटर के बारे में बात करेंगे, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर्स मैटर्स क्या होता है। पार्टिकल वो होते हैं जो मैटर को मेडअप करते हैं, ठीक है, मैटर को मेडअप करते हैं। जब छोटे 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 पार्टिकल क्या होते हैं मिल जाते हैं, तो क्या होता है ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्टिकल मिलते चले जाएँ मिलते चले जाएँ, तो क्या होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, मैटर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, अगर हम देखेंगे आइस में हम देखते हैं, सपोज दैट ये एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, जो आइस का टुकड़ा है तो उसमें क्या होगा, उसमें अब जब आइस का ये टुकड़ा है तो इसमें वाटर के ही तो होंगे ना पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। या हम आइस की जगह पे क्या करते हैं, सैंड को ले लेते हैं, क्या करते हैं सैंड को ले लिए, तो उसमें सैंड के ही पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इन्होंने देखो मिलियंस लिख रखा है, मतलब लाखों, उनकी संख्या क्या होगी, लाखों में होगी, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं कि अब हमारी यहाँ पे एक टिप गिवन है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या हमारी स्मेल है हमारी, या और भी हमारी हमारी जो फीलिंग्स हैं ये क्या हमारी हो सकती हैं मैटर मैटर या सबिस्टेंस। तो ये जो है हमारी सबिस्टेंस नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि स्मेल हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैटर नहीं हो सकता है। बट स्मेल ऑफ एनी सबिस्टेंस इज मैटर एज इट गैसियस फॉर्म ऑफ अ सबिस्टेंस विच हैज़ मास एज ऑक्यूपाइड। मतलब किसी भी चीज़ की जो सुगंध होती है, मतलब एक हमारा जो है ये तो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैटर नहीं हो सकता स्मेल जो है। बट किसी भी चीज़ की स्मेल, किसी सबस्टेंस की जो होती है स्मेल जो है मैटर हो सकती है, ठीक है। और एज इट, कैसे, इसकी गैसियस फॉर्म ऑफ अ सबस्टेंस, उसकी जो होती है गैसीय अवस्था, गैसियस का मतलब होता है गैसीय अवस्था, जिसका जो होता है कुछ ना कुछ मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर हमारा एक ये क्वेश्चन क्लियर होता है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू में आ सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं इस टाइप के, ये आपके जो है एकेडमिक एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन हम इसीलिए थोड़ा पॉइंट वाइज रखे हुए हैं। तो अब जो हम अगला करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये जैसे है तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फोर कर लेते हैं, सपोज दैट फिर से क्रिएट करते हैं ये, अब जैसे कि ये है, ये जैसे हमारा एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इस टाइप का हमारा पार्टिकल है, ठीक है। तो इनके बीच में ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, जो ग्रीन ग्रीन हमने किया है ये इनके स्पेस आ रहा है, तो ये जो है इनका क्या है, यही इनके बीच का बिटवीन स्पेस देम होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक हम स्पेस को लीव कर रहे हैं, ठीक। अब जो हमारा अगला क्या है एग्जाम्पल इसका भी गिवन है कि अगर हम एक चीनी का घोल ले लें, क्या करें, चीनी का घोल ले लें, फॉर्मेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, When we make sugar solution, the particle or one type particles of one type of matter get into space between particle of other. जो क्या करते हैं, एक टाइप के जो पार्टिकल होते हैं वो दूसरे टाइप के जो होते हैं
मैटर में जा करके उसमें भी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। कि मतलब क्या होता है कि हम क्या है, एक वाटर है एक बीकर में, हम क्या करते हैं वाटर को टेक करते हैं, फिर अब हम क्या करें कि इसमें ये वाटर है, अब अगर हम इसमें हम क्या करते हैं शुगर को, हम शुगर को फिल करते हैं, शुगर अगर हम वन स्पून इसमें हम शुगर फिल करें, वन स्पून शुगर फिल करें, तो इसके पार्टिकल के बीच में अगर भैया स्पेस नहीं होगा तो क्या ये इसमें चीनी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। हाँ आप अगर देखें तो ये हमारा क्या है, किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है। और अगर हम सोचें कि अभी हम सॉलिड स्टेट अगर वाटर की लें तो उसमें क्या होगा, कम स्पेस होगा, उसमें क्या होगा कम स्पेस होगा, मतलब घुलने की संभावना तो रहेगी लेकिन उसकी अपेक्षा हमारा क्या रहेगा, सोल्यूशन जो है वाटर के साथ में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अगर चीनी का शरबत बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करो, उसमें जो है वाटर के साथ में ही शुगर को मिक्स करो, तो हमारा जो है सोल्यूशन बहुत जल्दी क्रिएट होगा। अब हमारा क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो होते हैं पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये जैसे एक पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो ये क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे, ये इधर की ओर मूवमेंट करेगा, ये इधर की ओर करेगा, ठीक है, ये इधर की ओर भी करेगा, इधर की ओर करेगा, ये भी इधर की ओर करेगा, मतलब ये दोनों तरफ की ओर मूवमेंट करते हैं, उनका मोमेंट होता है वो बॉस साइड होता है। जैसे अब हम क्या करें कि एक आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्या करो कि यहाँ से जाओ सीधे एक ग्लास, वो भी कैसा कांच वाला ग्लास उठाओ और उसमें क्या करो पिंक की सम ड्रॉप्स को, इंक जो होती है पेन की उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है, उसको ड्रॉप करोगे तो जो है तुम्हें क्या इसमें मिलेगा कि देखो जब तुम इंक ड्रॉप करोगे तो इंक की कुछ इसमें हम ड्रॉप जैसे ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब हम उसको क्या करेंगे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमें पता वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा वो पूरा जो होगा हमारा, जैसे ब्लू कलर की डालते हैं तो ब्लू हो जाएगा हमारा विलेन सॉल्यूशन, और अगर हमारा ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये क्या हमारा हो जाएगा कि वो क्या होता है उसमें कंटिन्यूसली इसके पार्टिकल क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल वो मूवमेंट करके मूवमेंट भी करेंगे। अब जो है हमारा क्या है थर्ड, इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी है, तो थर्ड प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ इंक, मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, ये तो हमारा एग्जांपल हो गया इस सेकंड प्रॉपर्टी का, सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होते हैं ये लगातार क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, मतलब वो उत्पन्न करते हैं। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे क्या करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हमारा ये इसके जो है कि काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब हमारा क्या होता है मूवमेंट ज़्यादा हो, मूवमेंट की स्पीड जब बढ़ेगी, मूव फास्टर होगा तब वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इसी से देख सकते हैं कि फिजिकल हम इसका देते हैं एग्जांपल, अगर आप साइकिल चलाते हैं ना तो साइकिल क्या है, आप जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतने ज़्यादा हम जो होती है मतलब मूवमेंट डिपेंड किस पे करेगा, वो तो अब हम फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में अलग होता है और इसमें अलग होता है। इसमें जब पार्टिकल मूवमेंट करते हैं पार्टिकल का मूवमेंट डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, और फिजिक्स में अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल कि अगर हम क्या करें शुगर डिसॉल्व्स फास्टर इन हॉट वाटर, अगर हम चीनी को घोलें तो गर्म पानी में जल्दी घुलेगी, अपेक्षाकृत क्या है ठंडे पानी में, अगर एक फ्रिज से ले लो एक ग्लास वाटर और क्या हॉट वाटर ले लो तो क्या होगा हमारा पानी कौन सा जल्दी घुलेगा, तो हमारा पानी वो जल्दी घुले, कौन सा शरबत जल्दी बन जाएगा बताओ, गर्म शरबत जल्दी बनेगा कि ठंडा वाला शरबत बनेगा बताओ, हमारा जो है इसमें कोल्ड वाटर के साथ जो है सोल्यूशन जो है बाद में क्रिएट होगा, हॉट वाटर के साथ में पहले क्रिएट हो जाएगा। अब जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल चाक हैज रिजिड स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो अट्रैक्ट भी करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एक चाक का टुकड़ा देखे हो जो क्लास में लिखा जाती है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, सपोज ये हमारा क्या हो गया एक ब्लैक बोर्ड हम क्रिएट करते हैं जो इस पे चाक से हम रिटर्न करते हैं, तो ये जो होगा इसमें जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे को अपने तरफ जो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे तब तो ये क्या होगा एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम तुम लोगों से पूछते हैं, एक क्वेश्चन है कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। एक देखो क्या होता है, लहर बह रही है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझो, एक लहर बह रही है मतलब नदी है, ठीक है, और एक डाइवर है इधर से जा रहा है, तो वो इनको कट करके कैस जाता है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मैटर का होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अलाउ होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये जो है हमें ये दिखाता है कि पार्टिकल ऑफ वाटर है जो स्पेस बिटवीन देम, जो उसके बिटवीन जो होता है स्पेस होता है, वाटर के पार्टिकल के बिटवीन जो होता है स्पेस होता है, तो जो है हम लोग क्या करते हैं, ये एंड है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, और क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, और अट्रैक्शन बिटवीन देम, जिससे जो होता है उनका अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, जिससे जो होता है डाइवर क्या करता है वो उसको क्रॉस कर ले जाता है, ये जो नदी होती है या नहर होती है या स्विमिंग पूल होता है उसको जो है क्रॉस कर जाता है। अब जो है हम इसमें अगला करते हैं टॉपिक, अब अगला टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमारा क्या है, मैटर केवल जो होता है इसमें हमारा थ्री टाइप में डिवाइडेड है, ये हमारा फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, हम अगर वाटर की स्टेट को हम ले लें, वाटर को हम डिवाइड करें, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइस, क्या होगा, आइस, इसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर, और इसकी क्या होगी, वाष्प, वेपर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सबसे पहला हमारा टॉपिक है सॉलिड, तो सॉलिड में क्या गिवन है, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसमें क्या होता है, पार्टिकल में जो होता है स्पेस, जैसे कि ये हमारा आइस है, तो आइस में जो पार्टिकल होंगे ये इस टाइप में होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे, और क्या होगा, इन इनमें जो होता है स्पेस बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होगा बिल्कुल। तो अब हम देखो इसमें क्या करते हैं, जब स्पेस हमारा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो अब इसमें देखो ये रहा, देखो ऐसे ऐसे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये जो होते हैं इस टाइप के पार्टिकल होते हैं। अब इसमें देखो स्पेस कितना नेग्लेजिबल है, ये देखो यहाँ पे स्पेस क्या है, बिल्कुल बहुत बहुत कम है, देखो ये स्पेस है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कुछ होती हैं बहुत ही अत्यधिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड है वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इनके बीच होता है अंतरा अणुक जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड है जब फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम एंड शेप होता है, और अगर हम चीन करें तो सॉलिड में जो होता है कैन नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये जो होते हैं कंटेनर का शेप नहीं ले सकते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है व रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें एक होता है रिजिड, कि जिनको हम ब्रेक कम कर सकते हैं, मतलब ब्रेक करने की उनकी पॉसिबिलिटी कम रहती है, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हम जिनको ब्रेक कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं, पर अनब्रेकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, कंप्रेस का मतलब ये होता है कि हम क्या होता है वो, जैसे ये है तो इधर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा तो बहुत ही कम होगा, हाँ इसीलिए हम इसको क्या लिखे हैं, इनकम्प्रेसिबल लिखे हैं, ठीक है, तो अगर इनकम्प्रेसिबल भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब स्पेशल केस का है, इसमें स्पंज हैज टिनी होल्स, स्पंज जो होता है मेरा उसमें हैज टिनी होल्स विच ट्रैप्स द एयर बट वी कंप्रेस इट एंड इट इज एक्चुअली एक्सपेलिंग द एयर आउट, हमारा जो होता है अगर हम एक जिसको हम स्पंज जो सोखता होता है उसको ले लें तो उसमें क्या होता है टिनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें जो होता है एयर कंप्रेस होती है और एयर आउट हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगला टॉपिक, अब इसमें एक और एग्जांपल है दे रखे कि रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग एंड कैन रिगेन आफ्टर रिमूविंग, देखो हमने बोला था कि रिजिड रिजिड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हम रबड़ को क्या है, रबड़ जो हमारी है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूविंग फोर्स होता है, आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब हम रिमूव कर देंगे फोर्स कर दें, जैसे कि हमारी ये रबड़ है,
इसको हम खींचेंगे इधर से तो बढ़ जाएगी, हमने हमने माना कि यहाँ तक बढ़ गई। तो क्या होगा कि जब ये बढ़ गई तो फिर से जब हम फोर्स उसको छोड़ देंगे तो उसी शेप में आ जाएगी। अब क्या है, अगर हम क्या करें, देखो हमारे पास एक हावर ग्लास है, मतलब एक ये हावर ग्लास है गिवन। तो जब हम सैंड को क्या करते हैं, वो ये फ्लो करता है लाइक अ लिक्विड। व्हेन यू ऑब्जर्व ईच पार्टिकल इन आइसोलेशन यू विल फाइंड दैट ईच पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड शेप, मतलब इसमें जो होता है सभी पार्टिकल के पास होता है फिक्स्ड शेप होता है। सो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज पोर्ड इट विल लुक लाइक इट इज फ्लोइंग, मतलब ये लगता है कि बह रहा है, ठीक है, लगता है कि बह रहा है, ठीक है। तो अब हो गया लिक्विड, क्या हो गया लिक्विड, तो पार्टी अब लिक्विड, अभी तक हम सॉलिड पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, जो होते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो होते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे ये होता है ये बहुत दूर दूर होता है, ये स्पेस देखो, ये तो हमारा हो गया किसका, सॉलिड का हमने बनाया था, बट अगर हम इसका शेप क्रिएट करें तो इसका शेप क्या होगा, अब देखते हैं। तो इसका शेप बहुत ही इजी होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा स्पेस होता है, देखो ज़्यादा ज़्यादा स्पेस है, तो इस टाइप के, या हम ऐसे इसको ऐसे क्रिएट करके दूसरे टाइप से इधर ऐसे क्रिएट करके ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है, तब भी हमको लग रहा है कि इसमें क्या है, थोड़ा दूर दूर है। तो इनमें क्या है, हमारा वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा उससे ज़्यादा सॉलिड से, फिर क्या होगा अट्रैक्शन जो होगा कम होगा, ठीक है, और ये फ्रीली इसमें ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, लिटिल मतलब बहुत कम, मतलब लिटिल मतलब ज़्यादा है। दिस गिव्स अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विच आर फॉलो, इनके पार्टिकल के बीच में जो होता है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, और उससे लिटिल स्पेस होगा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक हो, इनका जो होता है एक और एक प्रॉपर्टी है, इनका फिक्स्ड शेप नहीं होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगी, ठीक है, सॉरी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगी बट शेप जो होगा इसका फिक्स नहीं होगा, शेप जो होगा वो इसका फिक्स नहीं होगा। अब जो है हमारा क्या है, द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, तो अगर अब हम देखें लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, द लिक्विड हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर, इसमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऑयल है हमारा या कुछ भी है तो वो हमारा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, उनको हम कभी इनकम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ये फ्लो बहुत अच्छे से करते हैं, क्या होते हैं ये फ्लो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, अगर सॉलिड से हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होती है लोअर डेंसिटी होती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि देखो अगर हम देखें तो यू कैन ऑब्जर्व इट इफ़ वी पुट आइस ऑन वाटर, तो आइस क्या करता है फ्लो करने लगता है, आइस इज अ सॉलिड बट इट इज़ लो डेंसिटी, आइस के पास क्या होता है लो डेंसिटी होती है, देन वाटर, वाटर से ज़्यादा क्या होती है लो डेंसिटी होती है, बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इट हैज़ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, इसीलिए जो है ये फ्लो करता है वाटर, जो वाटर पे फ्लो करने लगता है। देखो क्या होता है, कभी आप लोग शरबत बनाए हुए तो उसमें बर्फ़ डालो तो वो क्या होता है ऊपर ही तैरते रहता है, ठीक है। तो आप देखो गैस हमारा क्या है, गैस, तो गैस क्या होता है, गैस में पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं और उनमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत बहुत वीक होता है, कंपैरिजन में लिक्विड से भी ज़्यादा वीक होता है। तो अब हम जैसे इनमें जो होता है ना इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है ना इसका जो होता है इसका ना ही इसमें क्या होता है फिक्स शेप होता है ना ही इसमें क्या होती है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और इसका जो होता है शेप भी क्या होता है ये क्या है कंटेनर की तरह शेप ले सकता है ठीक है। अब इसमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता ये कंप्रेसिबल होता है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ये जो है फ्लो भी करता है ठीक है। गैस जो है गैस हमारा जो है सॉलिड लिक्विड और गैस ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो है हम कल जो है अपने इसी चैनल पे जो है इसके आगे के टॉपिक लेकर के आएंगे ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहा गैस रहा सॉलिड रहा लिक्विड रहा
और जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ रहें, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।